नए प्रोजेक्ट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे वही दो बटन बना लेंगे, सबसे पहला कैलकुलेटर का, सेकंड रजिस्ट्रेशन का। कैलकुलेटर के बटन पे जब क्लिक हो तो कैलकुलेटर की एक्टिविटी खोलनी है। जो एक्टिविटी है वो आप लोग बना चुके हो, सिर्फ यहाँ से लिंकिंग आप लोगों ने करनी है, ठीक है। कैलकुलेटर में दोबारा नहीं बनाऊँगा। अब सेकेंड है रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक हो तो एक और एक्टिविटी खुल जाएगी, वो आज हम लोग बना लेंगे। साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि जब बैक प्रेस होता है तो हमारी एप्लीकेशन बंद होने के बजाय हमें एक डायलॉग बॉक्स दे, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट या एग्जिट, तो हम लोग यस प्रेस करें तब एप्लीकेशन क्लोज होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे उसको जब सबमिट बटन पे क्लिक करें तो वो सारा का सारा डेटा लेकर एक और एक्टिविटी पर चला जाए, ठीक है। तो पैरामीटराइज इंटेंट भी आपको कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं साथ साथ। अब डिज़ाइन आप सबको क्लियर है ना? एक टैग हमने पढ़ा था ग्रेविटी का। ग्रेविटी से आप लोगों को पता है क्या होता है? जितना भी उस विंडो के अंदर की चीज़ें होंगी वो सब सेंटर हो जाएंगी। एक होता है लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी क्या करता है? इस पूरी की पूरी विंडो को लेकर उसकी ग्रेविटी सेट कर रहा होता है, सेंटर करना है या राइट पे लेफ्ट पे, जिस तरह हमने यहाँ यूज़ किया लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी लेआउट सेंटर में आ गई है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गई, ठीक है। अब इसका हम लोग ले लें, अगर ग्रेविटी सेंटर कर दें तो ये जो इंटर नेम लिखा है इस विंडो के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर लेआउट ग्रेविटी में हम खाली सेंटर करते हैं, लेआउट ग्रेविटी में सेंटर रखो, बीच में आ जाएगा इस जगह जहां मेरा पॉइंटर है। तो मतलब एक ही चीज होगी वो ग्रेविटी और? नहीं नहीं, अभी ये सेंटर में इस जगह पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारा जो ऊपर लेआउट है वो लीनियर लेआउट है, वो रो वाइज जाती है, वो मिड डायरेक्टली इसको मिड में नहीं ला सकती। इसको सिर्फ ये एक रो अलाउट है, इसके मिड में आ गई, ठीक है। फिर आप लोग जब साथ साथ डिजाइन बनाओगे तो आप किसकी ज्यादा ग्रिप होती जाएगी, समझ आती जाएगी। यहाँ पर तो हम बटन बनाने थे हमने। हाँ, लीनियर लेआउट देखो, या वर्टिकली जाती है या हॉरिजॉन्टली जाती है। अभी इसको हमने दिया हुआ है वर्टिकल, मतलब यह है कि जब भी कोई इसका चाइल्ड आएगा तो
तो वो एक आएगा फिर दूसरा वर्टिकली उसके नीचे आएगा, मतलब जितने भी चार्ज आएंगे उनको हॉरिजॉन्टली रो पूरी मिलेगी लेकिन वर्टिकली वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अभी देखो दो चाइल्ड हैं इसके, इन्होंने शेयरिंग कर ली जितनी भी हाइट है उसकी, लेकिन रोज इनको पूरी पूरी मिली है, यहाँ पर भी जगह थी, यहाँ पर भी जगह थी, लेकिन इसने फुल ली है, चाहे जगह जितनी भी लेगा, थोड़ी थोड़ी भी इसको चाहिए ये फुल रो लेगा। इनके बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहते हो, नीचे वाले को मार्जिन टॉप दे दो तब भी गैप आ जाएगा, या ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम दे दो। ठीक है, टॉप से हम मार्जिन ले लेते हैं 20 dB का, थोड़ा थोड़ा फासला आ गया, इसके भी टॉप पे डाल दें तो इसको भी ऊपर से फासला मिल जाए। एक देखो आपको तो मैंने सबसे फर्स्ट असाइनमेंट जो दी थी वो दिया था कि आप डेंसिटी पिक्सल और स्क्रीन पिक्सल और डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, इन चारों पे पढ़ के आओ कि इन चारों में क्या फ़र्क है। एक होता है SP जो स्क्रीन पिक्सल है, वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं तब टेक्स्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि आपके पास सेटिंग में एंड्रॉयड के एक ऑप्शन होता है कि आप फ़ोन को फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सको, तो आप जब वहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हो सारी एप्लीकेशन अपने आप को अडॉप्ट करती हैं, वो सब की सब अपना साइज़ बड़ा कर देती हैं, वो बेसिकली SP का साइज़ बड़ा करता है, तो जिसने SP यूज़ किया उन सब का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, DP जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये हमारे हिसाब से ही रहता है, चाहे वो साइज़ वहाँ से बड़ा करता है या छोटा करता है। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें आपको ये चीज़ देनी पड़ती है, इनबॉक्स है, ठीक है, कोई बड़ी एज का बंदा है उसकी करीब की नज़र काम नहीं करती तो वो बड़ा कर लेते हैं अपने लिए स्क्रीन, तो उनके लिए आपने दे दिया। आप अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसा फीचर देना चाहते हो SP यूज़ कर लो। पिक्सल बहुत छोटा होता है, देखो अब इस तरह है कि एक दोनों मोबाइल की स्क्रीन 5 inch है लेकिन एक जो है बहुत हाई रेजोल्यूशन का है और एक के रेजोल्यूशन इतना नहीं है, एक में पिक्सल इतने ज़्यादा नहीं है, हाँ, तो इसमें यही बटन छोटा बन रहा है और इसमें यही बटन बड़ा बन रहा है, तो डिफरेंस आ गया रेजोल्यूशन के हिसाब से। हालांकि हम तो चाहते हैं हम तो साइज़ के हिसाब से उनको सही करें, ठीक है, तो इसलिए कहीं पर हम पिक्सल यूज़ करेंगे, कहीं पर हम डेंसिटी ये DP अगर अभी तो इसके साइज भी स्क्रीन साइज भी छोटा है ना इसका, लेकिन अगर इन दोनों के स्क्रीन साइज बराबर हो, इसके रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसमें पिक्सल पर इंच ज्यादा है, तो इसमें जब बनेगा आइकन छोटा बनेगा, मैं बटन बनाता हूँ लेट्स सपोज 400 पिक्सल का, 400 DP बाय वेट और 400 हाइट, तो इसमें इतना एक बॉक्स बन गया, वही बॉक्स इसमें बड़ा हो नजर आएगा। ठीक है, तो ये इशू आएंगे। अच्छा, दो बटन हो गए हमारे पास, कल जो मेथड हमने सीखे ऑन क्लिक का वही वाला हम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इसमें प्रैक्टिस होती रहे। व्यू हमने लिया, इसकी क्लास ही इंपोर्ट कर लो तो फिर यार नहीं करेगा, ठीक है, ऑल्ट एंटर से ऑप्शंस आपको दे देते सारे। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज का इंटेंट डाल देना है, तो यहाँ से वहाँ चले जाओगे, यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं सॉरी ये फर्स्ट वाला तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर वाला आप डाल दोगे
और सेकंड में इंटेंट आप डाल दोगे रजिस्ट्रेशन वाला। सारी आईडीज आ जाती हैं, जितने भी व्यूज हैं वो सारे आ जाते हैं व्यूज। सब के सब। व्यू बेसिकली यहाँ पर ये कैच कर रहा है वहाँ से जो भी व्यू आता है। अब ये जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं ये सब के सब व्यूज हैं। एग्जामिन में जितने भी आपके पास टैग्स आते हैं, विंडोज आती हैं, ये सारे के सारे व्यूज होते हैं। आप किसी को भी यहाँ से पास कर सकते हो। टेक्स्ट व्यू है आपके पास, एडिट टेक्स्ट है, बटन्स हैं आपके पास, बिल्कुल कर देता है। अब ये यहाँ पर हमने बता दिया कि जब आप पे क्लिक हो तो आप इस फंक्शन की तरफ रेफर कर देना। ये फंक्शन हमारे पास यहाँ बना हुआ है, इसी तरफ से चला जाएगा। अब एक और एक्टिविटी हम ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन पेज की। अब रजिस्ट्रेशन पेज में हम ये करते हैं कि सबसे टॉप पर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर जेंडर, और इसके बाद हम लोग कुछ इंटरेस्ट उसमें चेक बॉक्सेस दे देंगे। ठीक है, एक फील्ड हमारी बन गई। दूसरी फील्ड में हम लिख देते हैं इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है, और इसके लिए हम इनपुट टाइप ले लेते हैं नंबर। इनपुट टाइप नंबर लेने से क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, इनपुट टाइप वैलिड देगा अगर हम नंबर नहीं लेते। नहीं नहीं नहीं, इनपुट टाइप नंबर लेने से ये हो जाएगा कि जब आप कोई चीज़ आप यूज़र से ये जब इनपुट मांगता है तो आपके सामने एक एंड्रॉयड में कीबोर्ड आ जाता है मोबाइल में। तो जब आप नॉर्मली देखते हो तो उस कीबोर्ड में नंबर्स भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं। जब आप यहाँ से डिफाइन कर दो कि इनपुट टाइप नंबर है तो उसमें सिर्फ नंबर ही आएंगे, उसमें और कुछ भी नहीं आएगा, करेक्टर वगैरह गायब हो जाएंगे। ये इफेक्ट आगे आप लोग देख लोगे। अच्छा, एक्टिविटी हमारी बन गई। यहाँ पे हम पहली एक्टिविटी में आकर इंटेंट ले लेते हैं, जो मेन एक्टिविटी थी, यहाँ से वहाँ रेफर कर देते हैं। न्यू इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट हो गया मेन एक्टिविटी डॉट दिस। जाना हम किस में चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन डॉट क्लास में। इसको स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी एंड। दो बटन आ गया हमारे पास, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हुआ और ये काम नहीं कर रहा। सही है, यहाँ पर हमने इसकी आईडी नहीं दी, दोनों को सेम आईडी दी हुई थी। ठीक है, अब अगर यहाँ क्लिक करते हो तो देखो कीबोर्ड हमारे पास कौन सा आ गया, कीपैड जो है। और आप अगर दूसरे पे क्लिक करो तो सिर्फ नंबर आ गए। तो ये यूज़र के लिए ज़्यादा फिजिबल हो जाता है अगर नंबर इंटर करना है। अगर इसमें आप देखो नंबर इंटर के लिए तो वो यहाँ से 1 2 3 दबाएगा, फिर इधर आके टाइप करेगा। ठीक है, तो यूज़र के लिए हम इजीनेस देखेंगे। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं।
وعلیکم السلام. ابھی اس کے ڈیزائن میں ہم لوگوں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, تو ایڈیٹ ٹیکسٹ میں پری ڈیفائن پہلے سے یہ چیزیں لکھی ہوئی آ جائیں گی. پھر یوزر لکھنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے رب کرنا پڑتا ہے, پھر وہ لکھ سکے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم دیکھ لیں ایک دفعہ پھر, تو یہ چیزیں پہلے سے لکھی ہیں. اگر وہ کچھ اس کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے تو کنکیٹینیٹ ہو رہا ہے, ملتا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا آئے جو بھی ٹیکسٹ, جیسے وہ لکھنا اسٹارٹ کرے پچھلا ٹیکسٹ غائب ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ٹیگ ہے آپ کے پاس, ٹیکسٹ ہمیشہ رہتا ہے. اس میں اگر آپ نے کچھ چیز ہنٹ کے طور پہ دینی ہے تو اس کا ٹیگ ہی ہنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کی جگہ آپ یوز کر لو ہنٹ. صحیح ہے, تو اب یہ دیکھو ڈیم ہو گیا. اس طریقے سے اوپر والے کو بھی آپ ہنٹ لے لو. اب اگر اس میں آپ لوگ کچھ نیم ٹائپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ پچھلا والا جو ہے اس کے ساتھ کنکیٹینیٹ نہیں ہوا, صحیح ہے, غائب ہو گیا. دو فیلڈ ہم نے بنا لی, تیسری فیلڈ ہم لوگ بناتے ہیں جینڈر کی. صحیح ہے, ایک ٹیکسٹ ویو لے لیتے ہیں, کنٹینٹ ٹاپ جو ہے اس کے اندر یہ سارے چائلڈز آتے ہیں. ٹاپ کو جب ہم نے پیڈنگ دے دی تو یہاں سائڈ پہ سب کو فاصلہ مل جائے گا, سارے آپ 20 ڈی پی کے بعد سے سٹارٹ لیں گے. صحیح ہے, کوئی بھی کلر آپ کوڈ لکھ دو, اس کے بعد یہاں پر دیکھو چھوٹا سا کلر بن جاتا ہے, اس پہ کلک کرو, کوئی اور کلر سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے گھما کر آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کلر کوڈ وہ خود لے آئے گا. اچھا, اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں, ہمیں دو بٹنس لینے ہیں اس کے بعد, ہمیں بٹنس نہیں سوری ریڈیو بٹنس لینے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اب یہ لینئر لے آؤٹ میں ہم جا رہے ہیں, جو چیز لگا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے نیچے آتی جا رہی ہے, لیکن ریڈیو بٹن ہم چاہتے ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ آئے. ٹھیک ہے, اب پہلے ہم لوگ ریڈیو بٹن لے لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو سائڈ بائی سائڈ کیسے لایا جائے. ریڈیو بٹن اور ویڈتھ اس کی ہو جائے ریپ کانٹینٹ, ہائٹ اس کی ہو جائے 30 ڈی پی. اور ٹیکسٹ اس میں آ جائے میل. اب یہ دیکھو سائڈ بائی سائڈ آ رہے ہیں. اچھا, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ریڈیو گروپ. ریڈیو گروپ پہلے اس کا کوڈ ہم ہٹا کر دیکھیں گے کہ ریڈیو گروپ کے ہٹائے سے کیا فرق پڑتا ہے اور لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے. کمنٹ کر دیا, اب یہ کوڈ رن نہیں ہو رہا, چیک کرتے ہیں.
अब ये दोनों रेडियो बटन एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। रेडियो बटन का तो मतलब ये होता है कि एक सेलेक्ट हो सकता है, दोनों का आपस में लिंक बनाना ज़रूरी है। तो जब आप लोग रेडियो ग्रुप लगा दोगे तो ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे, ये लिंक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक ही क्लिक हो सकता है। अच्छा, अब आगे बात इसको साइड बाय साइड करने की, कि साइड बाय साइड कैसे किया जाए। हमें ये पता है कि लीनियर लेआउट या हॉरिजॉन्टल चलता है या वर्टिकल चलता है। तो यहाँ पर हम जितने चाइल्ड ले रहे हैं वो सब वर्टिकल ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक चाइल्ड हम लोग ले लें लीनियर लेआउट को ही दोबारा, तो वो वर्टिकली यहाँ पर लग जाएगा और उसको इंटरनली हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। उसके अंदर अगर ये दो बटन डाल दें तो वो हॉरिजॉन्टल लगा सकता है, ठीक है, जैसे कल किया था हमने। लीनियर लेआउट विड्थ इसकी मैच पैरेंट हो गई, हाइट इसकी हम लोग कर देते हैं रैप कंटेंट के, इसके कंटेंट की जितनी हाइट हो वही आ जाए। अब लीनियर लेआउट के अंदर रेडियो ग्रुप है, रेडियो ग्रुप के अंदर भी आप लोग ओरिएंटेशन दे सकते हो। अब रेडियो ग्रुप की भी हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दी, तो ये दोनों के दोनों साइड बाय साइड आ गए। अगर रेडियो ग्रुप हमारे पास ना होता तो हमें लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती। अगर इसको हम लोग वर्टिकल कर लें तो देखो, ठीक है, अभी लीनियर लेआउट इसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब रेडियो ग्रुप आ जाए तो फिर रेडियो ग्रुप कंट्रोल करता है, क्योंकि चाइल्ड हो जाएंगे रेडियो ग्रुप के, डायरेक्ट चाइल्ड लीनियर लेआउट के नहीं रहते, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी होगी। अब नीचे हम डिजाइन बनाते हैं इंटरेस्ट का, सेम ऐसे ही एक टेक्स्ट बॉक्स कॉपी कर लेते हैं, इसका मार्जिन बॉक्स से ले लेते हैं। सर, इसको मेल फीमेल को आगे कैसे करेंगे, मतलब जेंडर के अगर हम आगे करना चाहें तो फिर रिलेटिव लीनियर जिधर लिखा था हम उसको रिलेटिव कर देंगे। किस तरह आगे करना चाहते हो, मतलब जेंडर के आगे मेल और फीमेल के ये रेडियो बटन यहाँ आगे इसके आगे लगाना चाहते हो, इसको भी जेंडर को लिस्ट कर देगा, इस तरह कर सकते हो। ये टेक्स्ट टेक्स्ट जो है आपके पास जेंडर, ये भी आप इस लीनियर लेआउट के अंदर ले लो, ऐसे हटाया इसको, ठीक है, सारे उसके चाइल्ड बन गए। ठीक है, सेंटर वगैरह है जो भी आप करना चाहो। सर, सेंटर वगैरह पैडिंग बॉटम देंगे ठीक हो जाएगा, पैडिंग बॉटम देना चाहिए। क्या मैंने हॉरिजॉन्टल किया था तो जेंडर नीचे आ रहा था मेल और फीमेल के, तो हम थोड़ा पैडिंग देके उसको ऊपर ला सकते हैं। ये जो नीचे आ रहा था इसकी वजह ये थी कि बाकियों को हमने ग्रेविटी सेंटर नहीं दी हुई, इसको हमने ग्रेविटी दी हुई थी सेंटर, ठीक है, उसको ग्रेविटी आप सेंटर, तो वो खुद वो भी बीच में आ जाएंगे, सारे एक रो में आ जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्ट, अब इसके नीचे हम लोग चेक बॉक्सेस दे लेंगे, चेक बॉक्स और विड्थ इसकी हो जाए रैप कंटेंट, हाइट इसकी हो जाए भी रैप कंटेंट, चेक बॉक्स में लिखा गया हो। अब टेक्स्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड है, हम लिख देते हैं इसमें क्रिकेट, आईडी साथ साथ देते हैं, क्रिकेट है, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हम लोग ले लेते हैं क्या लें, क्या लें, स्नूकर, चलो अगली बार स्नूकर ले लेंगे। अब इसके लिए भी वैसे ग्रुप बनेगा, जैसे ऊपर हम नहीं है
ग्रुप आप देखो तब बनाने की जरूरत थी, हाँ, क्योंकि रेडियो बटन आपको एक चेक करना, चेक बॉक्सेस से तो मतलब ये कि आप जितने चाहो चेक कर लो, टिक, जो जो आपको चाहिए इसमें आप टिक करते रहो। अब देखो ये चाहिए नहीं चाहिए, टिक आप कर सकते हो, ठीक है। तीनों इकट्ठे भी आप, अगर आपका इंटरेस्ट है तीनों में तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जेंडर आप दो नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि वो रेडियो बटन में ही होगा, ठीक है। चाहिए आपको कोई हो सकता। अच्छा, अब नीचे फाइनली हमारे पास सबमिट का बटन रह गया, बटन ले लेते हैं, रैप कंटेंट, हाइड दी रैप कंटेंट, अगर सर इसको ग्रेविटी मार्जिन टॉप को मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बगैर क्या था, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको लेआउट ग्रेविटी दे देंगे और सेंटर कर देंगे, मिड में आ जाएगा, सही। टॉप से थोड़ा इसका मार्जिन ज्यादा कर देते हैं, फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने करना ये है कि जब सबमिट का बटन क्लिक हो तो ये सारी वैल्यूज लेकर एक और जगह चले जाए, तो इससे हमें ये हो जाएगा कि इनसे हम वैल्यूज निकालेंगे कैसे, एक चीज़ हम ये सीख लेंगे, दूसरा हम इंटेंट के थ्रू वैल्यू लेकर जाएंगे कैसे, फिर वहाँ पर हम गेट कैसे करेंगे और इन वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में रख के या दोबारा लगाएंगे कैसे, ठीक है। हमने ले लिया क्लिक्स का दोबारा, ताकि सारे क्लिक हमारे पास यहाँ आते रहे। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहली कंडीशन से, इफ कंडीशन और गेट आईडी, इसको मैच करवा देते हैं आर डॉट आईडी डॉट, सबसे पहले किसके साथ, इसमें तो हमारे पास एक रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो रेडियो बटन के लिए दो तरीके हैं, एक तो यह कि क्लिक लिसनर के थ्रू आप उसमें काम करवा सकते हो, इनमें टॉगलिंग करवा सकते हो, अभी तो हमने रेडियो ग्रुप ले लिया है उससे भी होता है, या आप अगर क्लिक लिसनर के थ्रू करना चाहो तो उससे भी होता है। दूसरा इसका एक और, इसके अपने क्लिक्स भी बनते हैं कि जब इस पर क्लिक हो तब क्या परफॉर्म हो, तो इसके लिए अपना एक बिल्ट इन ओवरराइड का मेथड है, वो भी तरीका है, ये मेथड फिर मैं आप लोगों को साथ साथ करवा दूंगा, जब क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो वो लोग भी देख लें, ठीक है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी ले लेते हैं हम लोग, इस एक्टिविटी का नाम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन सबमिट। यहाँ पे इंटेंट लेकर हमने वहां जाना है, लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज को लेकर आना है, और सबमिट के बटन पर हमने ये कंट्रोल भी रखना है कि अगर इसने कुछ वैल्यूज एंटर ना की हो, कुछ सिलेक्शन इसकी मिसिंग हो, तो हमें एरर दे दे कि ये सेलेक्ट नहीं हुआ इसमें। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अभी चेक करना स्टार्ट कर लेंगे,
सबसे पहले इनको डिफाइन कर लें ऊपर ग्लोबली। रेडियो बटन आपने लिए हैं, रेडियो बटन मेल, और चेक बॉक्स, क्या लिया हुआ है, एडिट टेक्स्ट लिए, नेम लिए और मोबाइल नंबर, बस ठीक है। बाकी बटन के बच्चे यहीं पे आ गए, बटन क्या हमें लेने की जरूरत नहीं है, डिफाइन कर लेंगे। हाँ, इसको डिफाइन हम कर लेंगे ऑन क्रिएट में। अब देखो, एक फंक्शन तो हमारे पास क्लिक का भी है, हम यहाँ क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ क्यों डिफाइन कर रहे हैं? वहाँ इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था आपको बताया था एक्टिविटी लाइफ साइकिल का, ऑन क्रिएट का फंक्शन सबसे पहले रन होता है, ठीक है। ऑन क्लिक का फंक्शन तो तब रन होगा जब हम क्लिक करेंगे, और अगर क्लिक करने से पहले हम लोग इस चीज़ को यूज़ करना चाहें कहीं पे तो एरर कर देगा, क्योंकि उसका जो है ब्रिजिंग नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ब्रिजिंग इसकी हम लोग ऑन क्रिएट में इसी वजह से करते हैं कि सबसे पहले यही फंक्शन बनता है, तो इसकी ब्रिजिंग सबसे पहले हो जाए। ये तो देखो एक एक्टिविटी के कंस्ट्रक्टर यूज होता है, हाँ, होता है किसी और क्लास के लिए आप यूज कर लो उस चीज के लिए। कंस्ट्रक्टर तो सबसे पहले ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले रन होगा, ऑन क्रिएट तो एक्टिविटी बनाते वक्त यूज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आप यूज करोगे जब हम लोग एडॉप्टर्स बनाएंगे, लिस्ट व्यू जब हम करेंगे ना, उसमें हम लोग जो है लिस्ट व्यू के लिए एक एडॉप्टर की क्लास बनाएंगे, उस क्लास में जब हम लोग डेटा सेंड करेंगे वो अपना आगे एग्जीक्यूशन के लिए, अब वो एक्टिविटी नहीं है कि इंटेंट के थ्रू वहाँ जाया जाए, सिर्फ वो एक हेल्पर क्लास होगी जो मेन एक्टिविटी के पीछे काम कर रही होगी। तो उधर कुछ डेटा भेजोगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैच करेगा, ठीक है। अभी तक कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब भी कोई क्लास बनती है ना, जब भी रन होगी तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि क्लास जो भी है ना वो एग्जिस्ट में नहीं आएगी जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो। सही है, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास की सबसे पहला फंक्शन है जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्टर यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ठीक है, सबसे पहले रन होता है, बाकी भी तो फंक्शन रन होंगे, हम वैल्यूज देने के लिए, क्या मतलब अगर हम चाहते हैं उसमें कोई उसको वैल्यू मिल जाए या कुछ भी हम काम करना चाहते हैं, सपोज हम डायनामिकली काम कर रहे हैं, हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी बन जाए, जब भी स्टार्ट हो सही है, पहले ना बने, अच्छा, इसलिए हम यूज करते हैं कि ऑन टाइम होगा जो भी हो उससे पहले। यही वाली बात है जो आपने इधर की है, हमने क्लिक से पहले उसको हम यूज करना चाहते हैं, फंक्शन वगैरह को तो हमने पहले डिफाइन किए नहीं है, सही है, यूटिलाइज नहीं है, तो मसला होगा। सही है, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास हम क्लास लेते हैं फिर क्लास के अंदर फंक्शन आता है, अब जिस तरह मेरे पास देखो ये एक एक्टिविटी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसके अंदर ऑन क्रिएट का फंक्शन है, सही है। लेट्स सपोज को कंसीडर करो ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर आके हम लोगों ने ब्रिजिंग की हुई है, ठीक है, वैल्यूज हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, यहाँ पर भी इसको हम लोग दे सकते हैं वैल्यू, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, और स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, इसमें हम डाल देते हैं 5, ठीक है, तो वैल्यू तो इसको यहाँ पर भी असाइन हो गई और ग्लोबली हो गई, वो कंस्ट्रक्टर से भी पहले हो गई। अब कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत पड़ी? सही है, हमने ये जो यहाँ ब्रिजिंग की हुई है इसकी वजह ये थी कि ब्रिजिंग इसने इस व्यू के साथ की है, कि जब डिजाइन फाइल लगा तो उसने इसके साथ लगाई है, वरना इसको भी मैं टॉप पे ब्रिजिंग कर देता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर से पहले तो हमारी ग्लोबल चीजें रन होगी, तो हमें क्या फायदा? आपने यहाँ पे वैल्यूज को दी है तो वो मेमोरी ले रहा है। मेमोरी तो नहीं लेता तब तक जब तक ये पूरी क्लास अब वजूद में नहीं आती है, तो एक ब्लू प्रिंट होता है, मेमोरी तो नहीं लेता, नहीं लेगा ना, देखें जब मेमोरी तब लेगा जब आपका कंस्ट्रक्टर ये सारी चीज़ें एक लाइन में होंगी, उससे मेमोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह ये होती है कि ग्लोबली जो आप चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं वो इस क्लास की है, ठीक है। अगर किसी और क्लास से आपको डेटा आता है तो वो कहाँ आएगा? वो कंस्ट्रक्टर कैच करेगा, कंस्ट्रक्टर उसको कैच करेगा और अपने लोकल वेरिएबल को असाइन करेगा, फिर उसके लोकल वेरिएबल नीचे काम करेंगे। तो बेसिकली असाइनिंग इस चीज़ की होती है कि जब कहीं और से डेटा आए उसको लेकर अपने वेरिएबल्स को दो और उसको यूज़ करो, तो ये असाइनिंग होती है। जैसे मेन में से कॉल करते हैं, हाँ कह सकते हो बिल्कुल। तो आगे हम लोग लिस्ट यूज में उसमें भी जो यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर का बेसिक काम ये होता है, सब कहते हैं असाइनिंग असाइनिंग असाइनिंग, तो असाइनिंग यहाँ पर होती है, वरना असाइनिंग तो हम हर जगह कर सकते हैं,
तो किसी और क्लास की जो डेटा आता है वो वहां पर कैच होता है सिर्फ। एक ही लाइन को कॉपी किया और आगे इसके पैरामीटर से चेंज करते जाएंगे, ठीक है? और टाइम बचा लेते हैं ताकि काम हो जाए ज्यादा। इनके कास्टिंग भी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि अब ये एडिट टैक्स हैं और यहाँ पे कास्टिंग इसके रेडियो बटन से है कि कास्टिंग में चेंज करनी पड़ेगी साथ साथ। सब के सब अब डिफाइन होंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी सबमिट बटन पे क्लिक हो तो वो चेक करे कि नेम में वैल्यू इंटर है कोई कि नहीं। अगर नहीं इंटर तो हमें एक एरर दे दे, एक टॉस दे दे कि प्लीज इंटर वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर एक इफ कंडीशन हम लगाते हैं और नेम में से वैल्यू गेट करके लाते हैं। अभी तक आप लाते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू लाए, स्ट्रिंग में रखी, फिर उसको चेक किया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को बीच में से निकाल देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू ला के चेक कर लेंगे, ठीक है? डायरेक्ट कैसे वैल्यू लाते हैं, अब नेम से ला रहे हो, एडिट टेक्स नेम हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, हमारे पास ये एडिट टेक्स है। जैसे वैल्यू लाने के लिए गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग यही करते थे, ठीक है? यही चीज आप एक स्ट्रिंग में रख के फिर कंपेयर कर रहे हो या पहले कर रहे हो, एक ही बात है। अच्छा, अब हम लोग इसको कंपेयर करना चाहते हैं, इज इक्वल इक्वल टू इसको कंपेयर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज एमटी के साथ, सही है? एमटी रिलेटेड, तो ये हमें एरर देगा। एरर ये हमें देगा, वार्निंग हमें देखो फिलहाल तो इसने दी हुई है, डॉट इक्वल सर। हाँ देखो, अब उसने वार्निंग क्या दी है कि डबल इक्वल टू आप स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते। ये जो डबल इक्वल का साइन है ये हमेशा इंटीजर वैल्यूज के साथ यूज होगा, इंटीजर या डबल या फ्लोट। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको डबल इक्वल ही, इसको डॉट इक्वल्स का एक फंक्शन है उसके साथ आप चेक करोगे। तो अब यहाँ पर हम लगा देंगे डॉट इक्वल, डॉट इक्वल, और इसके बीच में बता दो कि किस चीज के साथ कंपेयर करना है, एम टी के साथ, ठीक हो गया? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि ये वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू एम टी। एक ये भी तरीका हो सकता है अगर आपके पास वही इंटीजर हो, लेकिन ये वही बात है, स्ट्रिंग है तो इसको इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके शुरू में आप नॉट लगा दो कि अगर ये एम्प्टी के बराबर ना हो तो हमारी सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सही है? अब यहां पर हम टॉस देते हैं, नेम इज नॉट एम्प्टी, ठीक है? और एल्स Name is empty. सही है? हमने यहां पर इसको कंडीशन यही दिया कि चेक करो खाली empty के साथ इसको, और शुरू में not लगा दिया तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, empty ना हो। Sorry. नेम इज एम्प्टी, कुछ भी आपने नहीं लिखा, वो डायरेक्ट इस कंडीशन पे आ गया एल्स पर, क्योंकि ये इसको इसके इस कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर आप इसमें से नॉट निकाल दो, अब ये चेक करेगा कंडीशन को ट्रू कब करेगा, जब ये एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा तो ये ट्रू कर देगा। ये सिंपल इफ एल्स कंडीशन है, एक दफा आपकी रिवीजन होगी, ठीक है? वापस आ जाते हैं और वैल्यू डालकर देखते हैं कि हमें क्या कहते हैं।
name is empty. Name में हम कुछ भी लिख देते हैं. अब name empty नहीं है. और एक और चीज़ है इसमें कि जब हम space दे दें तो अब ये इसको empty consider कर रहा है या नहीं? अब इसको empty consider नहीं कर रहा. Space भी एक string होती है और ये एक तरह से एक flaw है कि अगर कोई empty string डाल के उसको register कर देता है तो गलत चीज़ है. हाँ, name के बीच में space आ सकता है. Let's suppose मेरा नाम है मलिक उमैर, तो मलिक स्पेस उमैर आ सकता है. लेकिन अब मलिक से पहले स्पेस नहीं, मलिक से या उमैर के बाद स्पेस का क्या था? इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे? एक फंक्शन आपको बताया था टू स्ट्रिंग के बाद डॉट ट्रिम, ठीक है? तो इक्वल टू से पहले आप लोग ट्रिम करवा लो, उसके बाद इक्वल टू चेक करो. आपको क्या कहता है? नेम इज एम्प्टी. हालांकि इसमें हमने स्पेसेस दी हुई है. नेम इज एम्प्टी, इसमें कोई नेम लिख दो. नेम इज नॉट एम्प्टी, ठीक हो गया. एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, नेम हमने चेक कर लिया. सेम इसी तरीके से इफ कंडीशन लगाओ दूसरे के लिए. दूसरा क्या है हमारे पास? मोबाइल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग ट्रिम. अब ये इफ कंडीशन पहली वाली इफ कंडीशन के अंदर आई है, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले उसने नेम चेक करना है, फिर उसने ये चेक करना है, इस तरह होते होते वो अंदर तक चला जाएगा, ठीक है? फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा कि एक फंक्शन आप कैसे बना सकते हो. अब तीसरी चीज क्या चेक करनी है? रेडियो बटन. रेडियो बटन हम चेक करते हैं. जरूरी नहीं है, मे भी हो मे भी ना हो, चेक कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट क्या आता है. ठीक है, कोई भी चेक नहीं है. रेडियो बटन ठीक है. अब ये फंक्शन आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा. बुलियन वैल्यू आपको पता है ट्रू फॉल्स जीरो वन. अगर इफ कंडीशन के अंदर आप ट्रू लिख दो तो वो रन हो जाती है, फॉल्स लिख दो तो वो क्रैश हो जाती है, नहीं उसको रन करता, ब्रेक कर देगा. तो इसके अंदर से रिटर्न हमें यही आएगा, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. तो अभी चेक कर लिया कि मेल पर चेक है, इसमें एक कंडीशन लगा दो और की, तो हमें दो कंडीशन ही लगानी पड़ेगी. अब मेल या फीमेल में से कोई भी एक चेक होगा तो वो रन हो जाएगा. एंड और गेट आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है? अगर इसमें एंड लगा दोगे तो क्या होगा कि दोनों चेक होने चाहिए. अब हमने और लगा दिया, मतलब दोनों में से एक ने एक चेक हो तो ये आगे आ जाएगा. सही है. इसकी एल्स कंडीशन में आप दे दो सेलेक्ट जेंडर, बाकी हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट है, चेक बॉक्सेस हैं. इसके चेक बॉक्सेस कोई मैटर नहीं करते कि अगर किसी ने चेक किया या नहीं किया, क्योंकि हमने खुद ऑप्शन दिया हुआ. सही है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वैल्यूज लेकर आगे सेंड कर देंगे. इस जगह पे आ गए तो हमें ये पता चल गया है कि वैल्यू सारी की सारी हमारे पास आ चुकी हैं. तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं. स्ट्रिंग नेम, नेम में वैल्यू कहाँ से लानी है? डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट प्रिंट, ठीक है? दूसरी स्ट्रिंग हम ले लेते हैं मोबाइल की. अच्छा,
अब मेल हमारे पास रेडियो बटन चेक हुआ है या फीमेल रेडियो बटन चेक हुआ है, इसका आप अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो? इसका तरीका एक ये है कि आप एक अपने लिए बुलियन वेरिएबल ले लो और जब मेल पे क्लिक हो तो उसको फॉल्स कर दो, फीमेल पे क्लिक हो उसको ट्रू कर दो, बाद में उस वेरिएबल को चेक कर लो कि इसमें ट्रू पड़ा है या फॉल्स पड़ा है। अगर ट्रू पड़ा है तो मतलब मेल क्लिक हुआ है, फॉल्स पड़ा है तो ये क्लिक हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक स्ट्रिंग ले लो, जब मेल पे क्लिक हो तो उसमें मेल लिख दो, जब फीमेल पे क्लिक हो तो उसमें फीमेल डाल दो, बाद में उसको चेक कर लो कि इसमें क्या पड़ा। ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग का नाम हम करते हैं जेंडर। ठीक है, फिर आपको तीसरा जो तरीका है डायरेक्टली इनके अपने क्लिक लिसनर्स का, वो मैं फिर आपको सिखाऊंगा। अच्छा, अब ये व्यू वाली जो एक कंडीशन थी, अभी तक ये व्यू डॉट गेट आई डी जब सबमिट होगा, सबमिट बटन पे क्लिक हो तब ये काम हो रहा है, लेकिन जब रेडियो बटन पे क्लिक हो तब क्या हो? एल्स हम लोग लगा देते हैं इफ व्यू डॉट गेट आई डी इक्वल इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट अगर रेडियो बटन मेल पे क्लिक हो तो हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है जेंडर, उसके अंदर आप लिख दो मेल। ठीक है, अगर फीमेल पे क्लिक हो तो आप उसके अंदर लिख दो फीमेल। सही है, अब मेल फीमेल का काम भी हमारे पास हो गया। अब यहां पर हमारे पास जेंडर भी आ सकता है अगर हम लिखें। अब एक चीज आ गई इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास तीन है और तीनों के तीनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक हो गया, तीन चेक बॉक्स हमने ले लिए, चेक बॉक्स वन, चेक बॉक्स टू, चेक बॉक्स थ्री। ठीक है, अब इनमें हमने वैल्यूज डालनी है, चेक करना है कि चेक बॉक्स चेक भी है या नहीं है। तो हम लोग इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ चेक बॉक्स क्रिकेट डॉट इज चेक्ड, तो सीधी वन में क्रिकेट डाल दें। बिल्कुल, सीपी वन में आप सिंपली ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हर एक चेक बॉक्स का अपना होता है, एक ही नहीं यूज हो रहा वेरिएबल। एक ये तरीका है, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि जब सेंड कर रहे हो, अभी डायरेक्टली भी इसमें हम कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली कैसे होगा, इफ कंडीशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। चेक बॉक्स वन इज इक्वल टू चेक बॉक्स क्रिकेट डॉट इज चेक। ठीक है, अब ये हमें रिटर्न कर रहा है बुलियन वैल्यू। अब बुलियन है और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है, बुलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, बुलियन कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगा या ट्रू आ जाएगा या फॉल्स आ जाएगा। यही काम आप दूसरे और तीसरे के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज अपने पास स्ट्रिंग्स में ला रहे हैं, ताकि ये स्ट्रिंग्स हम उठाकर आगे इंटेंट के साथ भेज सके। इसलिए यहाँ पर हम सारी वैल्यूज इकट्ठी कर रहे हैं। क्रिकेट और फुटबॉल है, हाँ, वन वन हमारे पास क्रिकेट है, सेकंड फुटबॉल कर देंगे और थर्ड क्रिकेट वो हॉकी। ठीक हो गया, अब और क्या रह गया, कंप्लीट हो गया। सही है, अब यहाँ से इंटेंट भेजेंगे, यहाँ से इंटेंट हम भेजेंगे। लेकिन सर इसमें एक चीज़ आ रही है सर, ऊपर जो हमने सबमिट का बटन किया है, ठीक है, अब वो इफ चलेगी उसके अंदर जो है ये मेल फीमेल तक चेक आ रहा है, ठीक है, लेकिन एल्स आपने नीचे लगाई है जो एल्स, ठीक है सर, उसमें ये कि वो चेक कर रहा है मेल चेक हुआ है या फीमेल चेक हुआ है, और वो उस हिसाब से यानी कि उसको वैल्यू डाल रहा है, मेल वैल्यू डाल रहा है, लेकिन इसमें तो यानी कि जो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकेगा कंपाइल, यानी कि जो हमारा वो होगा जो कंपाइलर है मतलब वहाँ तक नहीं जा सकेगा, मतलब इफ चलेगी एल्स इफ तो नहीं चलेगी सर। मैं आपको बताता हूँ, देखो
जब हमारे पास सबसे पहले ही सबमिट का बटन क्लिक हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट सबमिट की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 48 से लाइन नंबर 83 तक। जब सबमिट पे क्लिक होगा तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब मेल फीमेल जेंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी है, ऐसा ही है ना, मेल फीमेल में से एक भी चेक नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे पास सबमिट का बटन क्लिक हुआ तो सबसे पहले चेक करेगा नेम, नेम हम एंटर कर चुके हैं, अगली ब्रैकेट चेक करेगा मोबाइल नंबर, वो भी हमने एंटर किया है, थर्ड ब्रैकेट आ गई वही रेडियो बटन की कि ये अभी तक चेक हुआ है या नहीं हुआ। ये ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले हमने सबमिट का बटन क्लिक कर दिया मेल फीमेल चेक करने से पहले ही, तो वो यहाँ पर इसकी कंडीशन को चेक कर रहा है, यहाँ पर ये कंडीशन आके फेल हो जाएगी, जब फेल होगी तो वो आपको एल्स में क्या कहेगा, सेलेक्ट जेंडर। तो आपको खामखा सबमिट से पहले इन में से किसी एक को चेक करना पड़ेगा लाजमी, अगर आप चेक नहीं करते हो तो वो सबमिट वाली कंडीशन यहाँ पर आकर फेल कर देता है, आपको आगे लेकर नहीं जाता। लेकिन आप सबसे पहले अगर मेल फीमेल जेंडर में से कोई सेलेक्ट कर लेते हो तो आपकी ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इसको हम ट्राई कर लेते हैं, समझ आइए या नहीं सर। जो मेरा क्वेश्चन है ना, मतलब मेरा ये है कि ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, नेम मोबाइल नंबर वगैरह सब, लेकिन ये कि इसमें हमारे पास मेल फीमेल के लिए हमने अभी तक कोई नहीं काम किया कि जिसमें हमें पता लगे कि भाई मेल आया, मेल पे चेक किया है उसने, फीमेल पे चेक किया, जो हमने इंटरनेट में भेजना है, ये हमने किया है। स्ट्रिंग जेंडर को हमने स्टोर किया हुआ है, जेंडर में हमने मेल या फीमेल स्टोर किया हुआ है, और ऊपर जब सबमिट पे क्लिक होता है तो हम चेक करते हैं कि जो रेडियो बटन्स हैं उनमें से कोई भी एक चेक है या नहीं। अगर कोई भी एक चेक है मतलब वो पहले ही स्टोर करवा चुका है जेंडर में वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास कब चेक होंगे, ये इस चेक कंडीशन कब ट्रू होगी, जब उसने मेल पे क्लिक किया होगा, या इफ फीमेल वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब उसने फीमेल पे क्लिक किया होगा, अगर उसने दोनों में से एक पे भी क्लिक नहीं किया, ठीक है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, उसको लाजमी किसी ना किसी में वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी, इनमें से कोई एक बटन सबसे पहले एक चेक होगा तब भी वो सबमिट कर सकता है, ठीक हो गया। ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब इंटेंट हम ले लेते हैं, न्यू इंटेंट, और कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन और दिस, और जाना कहाँ चाहते हैं, सबमिट डॉट क्लास। स्टार्ट कर दे एक्टिविटी को, स्टार्ट एक्टिविटी एंड। अब एक्टिविटी स्टार्ट होगी लेकिन ये कुछ भी इंटेंट लेकर साथ नहीं जा रहा, ठीक है, ये तो पुराना है। अब ये वैल्यूज कैसे लेकर जाएगा, हमने इंटेंट जो बनाया है एन नाम का, इस एन के अंदर आपने पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है, पुट एक्स्ट्रा होती है, किस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के साथ ये एक्स्ट्रा वैल्यूज भी ले जाओ, तो एन डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब पुट एक्स्ट्रा में आपके पास क्या है, आपके पास दो चीजें होती हैं, सबसे पहले आपके पास की होगी आईडी, आगे आप वैल्यू दे दोगे ताकि जब दूसरी एक्टिविटी हो तो आप उसमें बता सको कि कौन सी वैल्यू चाहिए, जो की आपने यहाँ रखी होगी वो उस की से वहाँ गेट कर सकोगे। लेट्स सपोज आप यहाँ पर की रख देते हो नेम के लिए, क्या रखें, डबल एन रख देते हैं, ठीक है, ये उसकी की हो गई, और आगे हम लोग नेम की वैल्यू डाल देंगे, वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, नेम है। अब वैल्यू जाएगी जो भी इस नेम के अंदर हमने टाइप किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगी, और इस की के साथ हम वहाँ पे गेट कर सकेंगे, हम वहाँ पे जब करेंगे इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग तो आगे उसको बताएंगे कौन सी स्ट्रिंग चाहिए। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि नेम में क्या आ रहा है, उमेर आ रहा है या कुछ और किसी और का नाम आ रहा है, हम उसको की के थ्रू गेट कर सकते हैं, तो एन एन के थ्रू हम लोग उसको गेट करेंगे। नहीं, इसको अरे आप नहीं कह सकते, या इसको लिस्ट भी कह सकते हो, एक लिस्ट है जो बनती जा रही है, जितने हम उसमें चीजें पुट करते हैं, और ये इसको अपने साथ लेकर जा रहा है, बेसिकली इंटेंट के साथ ही जा रहा है। अगर इंटेंट की क्लास में देखना चाहो कि ये क्या चीज है पुट एक्स्ट्रा का मेथड, तो क्लिक कंट्रोल दबाओ और पुट एक्स्ट्रा में आप क्लिक कर दो और देखो कि यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एक बंडल बनाता जा रहा है। अब बंडल क्या होता है, बंडल में मजीद आगे इन्होंने फ्लैग्स यूज किए हुए हैं। अब फ्लैग्स क्या होते हैं, ये सारी अब इनकी इंटरनल बातें खुलती जा रही हैं। यस सर। ठीक है, तो हमारा काम मेन फंक्शंस के साथ है जो उन्होंने हमें बनाकर दिए हुए हैं, आगे जो कंपाइलर के फंक्शन आते जाएंगे उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अब देखो इसमें हम देखें तो एरर भी बहुत सारे, लेकिन ये बिल्ट इन कोड है। इसमें अगर हम लोग कोई चेंज लाते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर इंटर दबाता हूँ तो मुझे वो क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, मुझे यहाँ कुछ टाइप करने से पहले कहता है कि अगर इसमें आपने कुछ चेंजेस किए तो फिर अपने आई डी के जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपने आई डी में ही चेंजेस कर दिए। ओपन सोर्स है, चेंज तो अलाउ कर रहा है लेकिन वार्निंग भी दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप चेंजेस कभी भी मत करना, जो बिल्टन मेथड हो, जो भी बिल्टन होंगे उनके साथ देखो सी सी साथ लिखा हुआ है, सी नहीं सॉरी दूसरा एक आइकन आ गया। अच्छा इसमें अब हमने और वैल्यूज भी भेजनी है, दूसरी वैल्यू हमने क्या भेजनी है, मोबाइल नंबर। तो ये सिंपली इनको हम लोग मीनिंगफुल भी दे सकते हैं कि नेम से इसको इंडिकेट कर लेते हैं, इसको मोबाइल नंबर से इंडिकेट कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। तीसरी हमें क्या चीज़ भेजनी है, हमें जेंडर भेजना है, एंड डॉट पुट एक्स्ट्रा, और इसमें हम लोग भेज देते हैं जेंडर, जेंडर कॉमा जो भी जेंडर के टेक्स्ट में पड़ा हुआ है वो ले जो सा पुट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर हमने भेजना है चेक बॉक्स वन की वैल्यू, यही CB1, CB1 ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज लेकर चला जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले आपने इंटेंट में ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, लेकिन वहाँ पे अभी तक हमने कैचिंग के लिए कुछ नहीं बनाया तो हमें पता ही नहीं चलेगा आई है या नहीं आई। इतना पता चल जाएगा अगर सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ और एरर ना आया तब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन क्लिक किया तो कहते हैं नेम इज एम्प्टी, सबसे पहले हम लोग नेम इंटर करते हैं। अब कहते हैं मोबाइल नंबर इज एम्प्टी, मोबाइल नंबर हम इंटर कर देते हैं। अच्छा अब कह रहे जेंडर इज एम, ठीक है जेंडर आप लोग सेलेक्ट करो। अब ये कौन सी कंडीशन पे फेल हुआ, यहाँ पर आकर ये फेल हो रहा है, ठीक है यहाँ फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जेंडर उसमें से कोई बटन क्लिक ही नहीं किया, जब क्लिक करेंगे तो जेंडर में वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग क्लिक करते हैं वहीं पर जाकर तो हमारे पास सबमिट हो गया, क्योंकि आगे चेक बॉक्सेस पे हमने चेक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं इस इंटेंट को कैच करने की तरफ, सही। अब देखते हैं कि इसको कैच कैसे किया जाए। तो कैच करने के भी इसके काफी तरीके हैं, एक तो ये है कि आप एक बंडल ही ले लो और फिर बंडल में से गेट स्ट्रिंग करते रहो, एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप कंप्लीटली लाइन ऑफ कोड लिखो, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, फिर आप लोग उसमें की दे दो तो आपका वैल्यू आ जाएगी। पहले हम लोग ये वाला मेथड कर लेते हैं फिर दूसरा कर लेते हैं। अब वहाँ पर जितनी आपने स्ट्रिंग्स वगैरह ली हैं वो यहीं पे भी चाहिए आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ दे देते हैं, एक ले ली हमने स्ट्रिंग नेम चाहिए हमें, ठीक है, दूसरा हमें मोबाइल नंबर चाहिए, तीसरा जेंडर आ रहा है, चौथा चेक बॉक्स वन आ रहा है, चेक बॉक्स टू आ रहा है, चेक बॉक्स थ्री आ रहा है, ठीक है। इसको ग्लोबली हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले नेम में वैल्यू लेकर आते हैं, नेम इज इक्वल टू नेम, हाँ नेम इज इक्वल टू नेम। अब डायरेक्टली आप नहीं कर सकते क्योंकि नेम तो एक वेरिएबल है ऊपर जो डिफाइन है, आपको वो जो इंटेंट है उसमें से वैल्यू निकाल के इंटेंट। तो सबसे पहले आप करोगे get intent dot get extras, ठीक है, get intent dot get extra। अब आगे dot get string, ठीक है, और इसके बीच में आपको क्या कह रहा है कि क्या पास कर दो, की, ठीक है, string एक की आप पास कर दो, वही की जो आपने वहां पर इसके वेरिएबल के लिए डिफाइन की है। स्ट्रिंग्स में इसकी की आप यहां डाल दोगे और इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हमने इसके लिए क्या डिफाइन हुआ किया था, नेम,
सही है नेम कॉपी करके वहीं पर पेस्ट कर दो, सबसे अच्छा है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है वहाँ एक नाम रखा होता है, यहाँ दूसरा कि आपने वहाँ कैपिटल से एन रखा हुआ है, यहाँ आपने स्मॉल कर दिया, एरर आता जाएगा आपको कि सब कुछ ठीक है और पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेम है, इसको हम टोस करवा देते हैं और चेक करते हैं हमारे पास टोस जनरेट होता है या नहीं। टोस मैसेज आपको कराया मैंने, इसकी समझ आई है क्या लिखा है मैंने? हाँ, कंकेटिनेट कर दिया, ये स्टैटिक रहेगा, जो हमने भेजा है नेम वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेम आ गया हमारे पास। अच्छा, इस कंकेटिनेशन में आप जितना चाहो कंकेटिनेट आगे कर सकते हो, सही है। इसमें XML का एक टैग है, वो भी XML है बेसिकली, इसमें आप एक और भी यूज़ कर सकते हो अगर नेक्स्ट लाइन करना है, तो उसमें स्लैश एन यूज होता है। ठीक है, स्लैश एन, और दूसरा हम लोग प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ आएगी, फिर एक लाइन का गैप, फिर मोबाइल नंबर आएगा, फिर उसका नंबर आ जाएगा। ये चीज़ें जो स्ट्रिंग के अंदर होती है ना, डबल कोटेड के अंदर, ये स्टैटिक होती है, ये एज इट इज आती है। मोबाइल नंबर, नेम, ये एज इट इज आया करेंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर अभी तक एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी हम लिख देते हैं मोबाइल इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज डॉट गेट स्ट्रिंग। की क्या है इसके लिए? MOB, यही थी की। yes. ठीक है, नेम मोबाइल अब दोनों आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, तीसरी चीज भी हम ले लेते हैं जेंडर। अब बार बार लिखने के बजाय हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अलग टोस भी ले सकते हो, कंकेटिनेट भी कर सकते हो, कंकेटिनेशन ज़्यादा अच्छी है, वरना एक आएगा टोस पर दूसरा फिर तीसरा, कितना टोस जनरेट करवाएं, वेट भी करना पड़ेगा। तो जेंडर, अब चेक कर लेते हैं इसको, जेंडर हमारे पास नल आ रहा है। ये जो हमने एल शिफ्ट लगाई है ना, अभी चेक करते हैं, अगर हम ऊपर लगा ले तो ये ना आता। जब दोबारा जेंडर का बटन क्लिक होगा तो ये पहली वाली इसको स्किप करके उसके ऊपर चला जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो आप कह रहे हो। अभी चेक करते हैं कि स्ट्रिंग क्यों नहीं ले रहा, वहां भेजने से पहले ही अब यहाँ पर हम लोग ये टोस्ट करवाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ दे रहा है तो फिर इसको उधर भी लेना चाहिए, कुछ तो कुछ तो एरर होगा, मिल जाएगा करके तो देखेंगे, मैं करते हैं वो भी करेंगे। डल है सर, क्योंकि सर जब हर दफा एग्जीक्यूट हो रहा है ना वो, तो पहला बटन क्लिक हुआ आपने जेंडर तो दे दिया, ठीक है वो जेंडर तक पहुंच गया, लेकिन जब दोबारा चलेगा तो जेंडर तो जा चुका होगा, दोबारा चलेगा ना वो तो नल हो चुका होगा, स्ट्रिंग तो नल होगी उसमें। स्ट्रिंग हमारे पास ग्लोबल है, देखो सामने, लेकिन
जो क्या कंपाइलेशन के टाइम पे उस टाइम तो नल हो गया ना, दोबारा से स्टार्ट हो रहा था सर, यही तो रोला है इसका। अच्छी बात है, इसको चेक करना चाहिए। वीडियो लगी रहे, थोड़ी देर स्टॉप करें, स्टॉप कर दें। ठीक है, वजह ये थी कि हमने ऑन क्लिक से इसको यहाँ पर कॉल ही नहीं दी हुई, वहाँ पर तो इसका हमने डिफाइन किया इंस्टेंस, लेकिन वहाँ पर इसका क्लिक नहीं पहुँच रहा। जो आप कह रहे हो ना, वो चीज़ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, जब इस पर क्लिक होता है तो ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू आ गई, अब ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया, लेकिन वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है। जब दोबारा फंक्शन बनेगा तो वो वैल्यू एज इट इज रहेगी, वो उसमें से एम्प्टी नहीं होती। एम्प्टी सिर्फ वो वैल्यूज होंगी जो उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुई, जैसे हमने नेम किया है, मोबाइल नंबर किया है, वो हर क्लिक के साथ एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो वो जेंडर वाला चेक बॉक्स कॉल हो रहा है, अब आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा चेक बॉक्सेस ये टोस्ट लगाए हुए थे, इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं इन टोस्ट को, कंट्रोल स्लैश क्वेश्चन मार्क के नीचे होता है स्लैश। दोबारा ये चीज सेलेक्ट कर लो और फिर कंट्रोल स्लैश। ठीक है, अब ये दूसरी एक्टिविटी में हमारे पास रिसीव हो रहा है वीडियो क्लिक। मैं ये समझ आता सर कि जो हर बटन क्लिक किया ना दोबारा से, यानी कि कंपाइल। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया था, अगर वो हमारे पास हमने डिफाइन किया होता आपकी बात पे आ जाते हैं। ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है क्लिक का, अगर ये स्ट्रिंग हमने इस यहाँ पर लिखा होता तो जरूर आपकी बात होती, क्योंकि हर क्लिक के साथ ये नई स्ट्रिंग लेता है, उसकी वैल्यू एम्प्टी हो जाती है। अभी हमारी स्ट्रिंग है ऊपर डिफाइन है, और जैसे ही क्लिक होता है इस ऊपर वाले जो ग्लोबल फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू डाल देता है। अब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है फंक्शन, लेकिन उस पर वैल्यू तो जा चुकी है, वो ग्लोबल है। अच्छा, बाकी और क्या हम लोग गेट कर रहे हैं? CP 1, 2, 3 हम लोग गेट कर रहे हैं। की भी इसकी CP 1, 2, 3 है, सेम है, तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मजीद कंकैटिनेशन करते हैं, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था? फुटबॉल, दूसरा फुटबॉल। सिर्फ फुटबॉल को हमने ट्रू कर दिया, अब देखो फुटबॉल ट्रू था, बाकी सब फॉल्स थे। नजर आया? यस सर। स्क्रीनशॉट कहाँ से लोगे? एंड्रॉइड मॉनिटर को ओपन कर लो, जो मोबाइल कनेक्टेड है उसकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से कंपाइल करते हैं, बैक जाते हैं और फिर रन। सर अगर हमने इधर ही चेक लगाए होते तो नल वाले हम लगा सकते थे। हाँ, अगर हम चेक बॉक्सेस के लिए लगा, ठीक है, इफ कंडीशन के थ्रू आप चेक कर सकते हो, वैल्यूज हैं आपके पास तो आप कुछ भी उसके ऊपर चेक लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारी स्क्रीनशॉट है उस वक्त जो आया था, सिर्फ फुटबॉल को हमने ट्रू किया था, वही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है।
तो इसकी वजह से ये है, अब आपको ये पता चल गया कि आप वैल्यूज कैसे लेकर जाओगे, सही है। अक्सर ऐसा है कि आप लॉग इन पेज बनाते हो और लॉग इन करवा देते हो, लेट सपोज एक है हमारे पास एक हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं और एक हमारे पास क्लाइंट्स हैं, लॉग इन पेज दोनों के लिए सेम है। अब हमारे पास क्लाइंट लॉग इन होता है तो हम लेकर जाते हैं आगे वन, हमारे पास कोई एम्प्लॉय लॉग इन होता है तो हम लेकर जाते हैं टू। तो हम आगे क्या कर सकते हैं कि अगर वन रिसीव हो तो आप ये एक्शन परफॉर्म करो, अगर टू रिसीव हो तो आप ये एक्शन परफॉर्म करो, तो एक कंडीशन यहाँ आगे लग सकती है, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप इंटरन के साथ आगे कर सकते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग अब देखो, एक्टिविटी जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो वो एक स्टैक में लग रही है। सबसे पहली एक्टिविटी हमारे पास ये वाली आती है, ऐसा ही है, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो एक नई एक्टिविटी आ जाती है, लेकिन नई एक्टिविटी उस पिछली एक्टिविटी के ऊपर आ रही है, पिछली वाली ऑन पॉज पे जा रही है, ठीक है, ऑन स्टॉप या ऑन डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ठीक है। हम चाहते हैं हम उसको ख़त्म कर दें कि हमारे पास है शुरू में लोडिंग स्क्रीन है, लोडिंग हो गई आगे आ गया, ठीक है, उसके बाद कोई बंदा बैक दबाता है तो दोबारा लोडिंग स्क्रीन पर जाना चाहिए कि एक्टिविटी बंद होनी चाहिए, एप्लीकेशन क्लोज होनी चाहिए, दोबारा लोडिंग तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जब भी न्यू एक्टिविटी लोगे तो पिछली वाले को फिनिश करवाओगे। हमारा सबसे पहले मेन एक्टिविटी का पेज लॉग इन होता है, ऑन होता है। अब यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब एक्टिविटी स्टार्ट कर दो तो किसी भी एक्टिविटी को ख़त्म करवाना, उसके लिए हमारे पास कोड है, एक लाइन ऑफ कोड है, फिनिश सिंपली, ठीक है। फंक्शन कॉल कर दो यहाँ पर फिनिश, तो ये एक्टिविटी जो है मेन एक्टिविटी बंद हो जाएगी और इसके ऊपर दूसरी एक्टिविटी पहले ही स्टार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। न्यू एक्टिविटी कॉल करके उसके नीचे हम फिनिश लिखते हैं, हाँ, तो पिछली वाली बंद हो जाएगी। जिस एक्टिविटी के अंदर फिनिश है वो एक्टिविटी बंद हो। अभी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हमने फिनिश लिखा है, मेन में, मेन फिनिश हो जाएगी इस कॉलिंग के बाद, हाँ, ऐसे भी मेन नजर नहीं आ रही होगी, जैसे ये इंटेंट कॉल होगा स्टार्ट करेगा तो दूसरी एक्टिविटी ऊपर आ गई और मेन पीछे चली गई और पीछे से वो फिनिश भी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन है, अब हम बैक आते हैं तो देखो एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए क्योंकि इसकी बैक स्टेक पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बंद हो गई। सेम काम हम लोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से, जब आगे जाए इंटेंट लेके तो इसको भी हम फिनिश करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हो कि बैक स्टेक पे एक्टिविटीज खत्म ना हो, पीछे पीछे आता रहे, लेकिन हाँ पीछे सबसे आगे चले गए पीछे आता रहे, लेकिन जिस जगह से आप चाहते हो ना आए उनको फिनिश करवा दो। इसके अलावा ये आप कहते हो जब बैक पे प्रेस हो टॉप होम एक्टिविटी पे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स भी दे, ठीक है, डायलॉग बॉक्स कर लें आज, बहुत आज, चलो ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है नाची क्लास में, तो बहुत क्वेश्चन कर लो और भी कर लो, सही है सर, सबको क्लियर है, डेटा सेव कराना हो, सेव कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे आगे डेटाबेसेस। डेटाबेस कॉन्सेप्ट हमारे पास हम इसमें यूज करेंगे एक शेयर्ड प्रेफरेंस का, एक हम लोग यूज करेंगे एसक्यूएलआईटी डेटाबेस, ये सारे आगे आएगा, डेटाबेस सेव कराने वाला काम बाद में आएगा, ठीक है।